इस वीडियो में मैं डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट चैप्टर को डिस्क्राइब करूंगी, जो बीएससी थर्ड ईयर का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। साथ ही सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर बॉटनी सब्जेक्ट है, इससे कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। इसके बारे में आगे पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि आप पहले क्वेश्चन में देख सकते हो कि पूछा गया है, लर्मा रोजो और सोनारा किसकी वैरायटी है? जो वैरायटी IR8 है वो किस कंट्री के थ्रू प्रोड्यूस की, या फिर जो लीची है वो किस कंट्री का नेटिव प्लांट है, मुख्यतः वहीं का रहने वाला है। इसके अलावा जो सेकेंडरी होम है, जिसे सेंटर ऑफ प्रोडक्शन है, वो कॉफ़ी का कौन सी कंट्री है, या फिर सोनालिका, कल्याण सोना और गिरजा किस फसल की वैरायटी है? पृथ्वी पर फ्लावरिंग प्लांट की लगभग 2 लाख स्पीसीज पाई जाती हैं, जिसमें से 20,000 स्पीसीज को मानव द्वारा अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कल्टीवेटेड प्लांट यानी कि कृषि पादप यानी कि खेती करने लायक डेवलप कर लिया गया है या उसको चेंज कर लिया गया है। तो हम एक प्लांट को डोमेस्टिकेटेड तब कहेंगे कि जब उसका कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके से चेंज किया गया हो कि वो बिना मानव प्रबंधन के या बिना इंसानी सहायता के ना तो ग्रो कर सकता है और ना रिप्रोड्यूस कर सकता है, तब हम कहते हैं कि ये प्लांट डोमेस्टिकेट कर लिया गया है। डोमेस्टिकेशन प्लांट और एनिमल दोनों का होता है, पर यहाँ पर ये टॉपिक हम बॉटनी के अंदर देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम प्लांट डोमेस्टिकेशन के बारे में देखेंगे। तो बेसिकली पहले ये समझते हैं कि डोमेस्टिकेशन होता क्या है। किसी भी वाइल्ड प्लांट को मानव प्रबंधन यानी कि ह्यूमन मैनेजमेंट के अंदर लाया जाता है, वो डोमेस्टिकेशन कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि 10,000 साल पहले या 12,000 साल पहले मनुष्यों ने खेती शुरू कर दी थी। उससे पहले मनुष्य जानवरों का शिकार करके खाते थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपने आसपास जो जंगली पेड़ पौधे थे उनसे खाना खाना शुरू किया और फिर उन्हीं कुछ पौधों को अपने आसपास रहने वाली जगह में उगाना शुरू कर दिया अपनी देखरेख के अंदर। हालांकि तब उनको एग्रीकल्चर नॉलेज नहीं थी, पर जैसे भी उन्होंने एग्रीकल्चर की वहाँ पर शुरुआत कर दी गई थी, तो वहीं पर उसी को हम डोमेस्टिकेशन की शुरुआत मानते हैं। बेसिकली डोमेस्टिकेशन एक तरह की एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, जिसमें वाइल्ड स्पीसीज को कल्टीवेटेड स्पीसीज में चेंज किया जाता है। डोमेस्टिकेशन एक तरह की एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसमें वाइल्ड स्पीसीज को कल्टीवेटेड प्लांट्स के अंदर चेंज किया जाता है। यह एक तरह की एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जो कि ह्यूमन एक्टिविटी के इन्फ्लुएंस में होती है। डोमेस्टिकेशन के बाद कल्टीवेटेड प्लांट में कई परिवर्तन और सुधार होते हैं, जिससे ये अपनी जंगली जनकों से या प्लांट से बहुत ही डिफरेंट हो गए हैं और इन्हें एक डिफरेंट स्पीसीज के रूप में आज हम जानने लगे हैं। अब हम देखते हैं कि डोमेस्टिकेशन की ओरिजिन कहाँ पर हुई है, मतलब डोमेस्टिकेशन कहाँ से शुरू किया गया है। जो प्लांट का कल्टीवेशन है वो एक पूरी तरह से एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। सबसे पहले मटर मटर जौ और गेहूं को कल्टीवेट किया गया था। ऐसा माना जाता है कि शायद मिडिल स्टोन एज में मानव द्वारा वाइल्ड प्लांट्स यानी जंगली पादपों को कल्टीवेटेड किया जाने लगा था। यह काम शायद दुनिया के अलग अलग एरिया में अलग अलग समय पर शुरू हो गया था। जैसा हम जानते हैं, जियोग्राफी के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक ओल्ड वर्ल्ड बोलते हैं हम और एक न्यू वर्ल्ड बोलते हैं। ऐसा मानते हैं कि जंगली पेड़ों का डोमेस्टिकेशन या कल्टीवेशन उत्तरी इराक के टिग्रिस और यूफ्रेटस घाटी, जिसे फर्टाइल क्रेसेंट कहते हैं, में सबसे पहले किया जाने लगा था, जो कि ओल्ड वर्ल्ड के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसी फर्टाइल क्रेसेंट के उत्तरी भाग में मेसोपोटामिया सभ्यता का भी विकास हुआ था। इसके अलावा न्यू वर्ल्ड, जिसमें मैक्सिको है, मैक्सिको की जो तेहुकान घाटी है उसके अंदर भी डोमेस्टिकेशन को देखा गया है।
अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डोमेस्टिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डोमेस्टिकेशन के दौरान वाइल्ड प्लांट में कई परिवर्तन या विभिन्नताएं, जो डिफरेंस है वो मेनली सिलेक्शन प्रोसेस के बाद डेवलप हुई हैं। ये सिलेक्शन प्रोसेस आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी हो सकता है और नेचुरल सिलेक्शन भी हो सकता है। यह सिलेक्शन दो प्रकार का हो सकता है। एक तो हो गया आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जो सिलेक्शन इंसानों द्वारा किया जाए। दूसरा होता है नेचुरल सिलेक्शन। तो पहला जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, जो इंसानों द्वारा किया जाता है, जिसमें ह्यूमन द्वारा अपने उपयोग और लाभ के लिए किसी भी वाइल्ड प्लांट को चूज करके उसको नई जगह पर खेती के लिए लाया जाता है, तो ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहलाता है। नेचुरल सिलेक्शन जो नेचर द्वारा होता है, जिसके अंदर म्यूटेशन भी हो सकता है और हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस भी आ सकती है। ये म्यूटेशन और हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस आर्टिफिशियल सिलेक्शन में भी होती है, जो कि लेबोरेटरी के अंदर इंसानों द्वारा कराई जा सकती है। भी किसान के द्वारा किसी भी प्लांट के डिजायरेबल ट्रेट का सिलेक्शन करके उसको खेती के लिए ला करके जो उगाया जाता है, तो एक नए इन्वायरमेंट में उस प्लांट को डाला जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर कई मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। बट ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, उसके अंदर जो जेनेटिक चेंजेस होता है वो बहुत ही रेयर होता है। जेनेटिक चेंजेस नेचुरल प्रोसेस के द्वारा भी हो सकता है, या फिर अपनी किसी खास वैरायटी या कुछ खास प्रोडक्ट बनाने के लिए लेबोरेटरी के अंदर भी किया जाता है। जैसे कि आप जानते हो गोल्डन राइस, जिसके अंदर विटामिन ए इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये लैब के अंदर एक जेनेटिक चेंज किया गया है, जिसकी वजह से वो जो चावल है उसके अंदर गोल्डन कलर का मॉर्फोलॉजिकल चेंज आया है। स्पेशिएशन रेयरली देखने को मिलता है डोमेस्टिकेशन के अंदर। इसके बाद इन तरह के जो प्रोसेस हम ट्राई करते हैं, सिलेक्शन, खास तौर से आर्टिफिशियल सिलेक्शन और नेचुरल सिलेक्शन, जो दोनों ही होती हैं, इन दोनों प्रोसेस के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी डेवलप होने वाली प्लांट स्पीसीज एक दूसरे से डिफरेंट और अपने वाइल्ड प्लांट से पूरी तरह ही डिफरेंट हो जाती है। इसी वजह से आज जो भी कल्टिवेटेड प्लांट हम अपने आसपास देखते हैं, अगर आप उसका वाइल्ड प्लांट ढूंढने जाओगे तो आपको वो नहीं मिलेगा, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन इतना चेंजेस आ चुका है कि वो अपने वाइल्ड प्लांट से पूरी ही डिफरेंट हो चुकी हैं। तो पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि गेहूं का जो वाइल्ड प्लांट था वो एक्चुअली कौन सा था। डोमेस्टिकेशन के बाद जो प्लांट होता है उसके लगभग सभी कैरेक्टरिस्टिक में काफ़ी चेंजेस आते हैं, परंतु लेकिन उन जो कैरेक्टरिस्टिक में चेंजेस वो वाले ज़्यादा दिखते हैं जो यूज़फुल होते हैं, क्योंकि वो इंसानों द्वारा, वो जो मेन कैरेक्टर होता है जो ज़्यादा दिख रहा है, वो इंसानों द्वारा उस लक्षण वाले प्लांट का सिलेक्शन किया गया है, जिसमें प्लांट ब्रीडिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी डिज़ायरेबल ट्रेट को चूज़ करने के लिए या उसको बनाने के लिए। तो बेसिकली प्लांट ब्रीडिंग का जो सबसे सरल मेथड है वो इंट्रोडक्शन है। इसमें प्लांट ब्रीडिंग क्या है? प्लांट ब्रीडिंग मतलब किसी भी नई वैरायटी को तैयार करना जिससे मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त हो सके, ऐसी वैरायटी प्लांट की तैयार करना खेती के लिए, उसको हम प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। तो उसमें से इंट्रोडक्शन एक तरीका हो सकता है। मतलब इंट्रोडक्शन मतलब किसी प्लांट स्पीसीज को उसके इन्वायरमेंट से एक नए इन्वायरमेंट के अंदर लेकर के आना या ट्रांसफ़र करना, ये इंट्रोडक्शन कहलाता है। अगर किसी प्लांट स्पीसीज को एक नई जगह, एक नए जियोग्राफिकल या भौगोलिक क्षेत्र में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वो भी प्लांट इंट्रोडक्शन है। इस इंट्रोडक्शन में या तो किसी क्रॉप की नई वैरायटी को, क्रॉप की वाइल्ड रिलेटिव स्पीसीज को, या फिर बिल्कुल नई क्रॉप को किसी एक एरिया में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। किसी जगह पर कोई क्रॉप्स उगाई जा रही है, अगर कोई वैरायटी वहाँ नहीं उगाई जाती है, वो किसी दूसरे स्थान से लाकर वहाँ पर उगाई जाती है, ये इंट्रोडक्शन है। किसी क्रॉप की वाइल्ड स्पीसीज को नई जगह पर लाकर उगाया जाता है, यह भी इंट्रोडक्शन है। यह दो तरीके का हो सकता है, एक प्राइमरी इंट्रोडक्शन होता है, दूसरा सेकेंडरी इंट्रोडक्शन होता है।
तो हम देखते हैं कि प्राइमरी इंट्रोडक्शन क्या होता है और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो प्राइमरी इंट्रोडक्शन के अंदर, जिसमें किसी इंट्रोड्यूस वैरायटी को किसी जगह से ला करके सीधे खेती के लिए फील्ड में रिलीज़ किया जाता है बिना कुछ चेंज किए हुए, उसको हम प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति का, जो 1964 से 65 में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। तब भारत में जो व्हीट की वैरायटी उगाई जाती थी वो बहुत लंबी हाइट की होती थी, कम से कम 6 फीट तक की ऊंचाई के उनके पौधे होते थे। लेकिन मेक्सिको के साइंटिस्ट नॉर्मन बोरलॉग ने व्हीट की नई डॉर्फ यानी कि बौनी प्रजाति डेवलप की थी, जो आजकल हम अपने आसपास देखते हैं खेती के रूप में। तो उन स्पीसीज को व्हीट की मेक्सिको से इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, और वो प्रजातियाँ आज हम लर्मा रोजो और सोनारा 64 के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो राइस की वैरायटी है IR8, फिलीपींस और ताइवान से इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई है। इनको जिस रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था उसी रूप में रिलीज़ किया गया है मार्केट के अंदर खेती के रूप में, इसलिए ये प्राइमरी इंट्रोडक्शन के एग्जांपल्स हैं। मतलब इनके अंदर ऐसा नहीं उन कंट्री से ला करके पहले इंडिया में कुछ चेंजेस किए गए उसके बाद खेती के लिए किसानों को दिए गए, वो जैसे उस कंट्री में डेवलप हुए थे वो एज इट इज़ यहाँ पर खेती के लिए भेज दिए गए, इसलिए ये हम प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन सेकेंडरी इंट्रोडक्शन की फिर ज़रूरत कब पड़ती है? तो एक्चुअली प्रॉब्लम तब होती है जब प्राइमरी इंट्रोडक्शन के रूप में जो क्रॉप रिलीज़ की गई है वो नए इन्वायरमेंट के अंदर अडॉप्ट नहीं हो पाती, या फिर वो वैरायटी एक्सेप्ट नहीं की जाती है किसानों द्वारा या लोगों द्वारा। फिर उस वैरायटी का किसी लोकल वैरायटी के साथ क्रॉस कराकर उसकी नई वैरायटी के रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं, इसको हम सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि कल्याण सोना और सोनालिका जो कि गेहूं की वैरायटी है, लर्मा रोजो और सोनारा 64 मेक्सिको से लाई गई थी, ये रेड व्हीट की लाल गेहूं की वैरायटी थी, उन्हें इंडिया में स्वीकार नहीं किया गया, मतलब किसानों ने रिफ्यूज़ कर दिया उसको ग्रो कराने से। तो उनका लोकल वैरायटी से क्रॉस यानी कि हाइब्रिडाइजेशन करा कर कल्याण सोना और सोनालिका नाम की व्हीट की वैरायटी प्रिपेयर की गई जो अभी भी बहुत पॉपुलर है। तो यहाँ पर मेक्सिको से ला करके फिर उसमें लोकल वैरायटी का हाइब्रिडाइजेशन करा करके फिर नई वैरायटी बनाई गई और उसके बाद उसको खेती करने के लिए फील्ड के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये क्या हो गया यहाँ पर सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कहलाता है। अब हम देखते हैं कि भारत में बहुत सारी, इंडिया के अंदर बहुत सारी क्रॉप जो आप अपने आसपास बहुत ही नॉर्मल वे में देखते हो, एक्चुअली उनका इंट्रोडक्शन विदेशी लोगों ने किया है। भारत में जो व्यापारी आए, बहुत सारे लोग जो शासक बनकर आए, पुर्तगाली, फ्रेंच, ब्रिटिशर्स आए, इसी बीच में कई मुगल भी आए, तो इन सब ने कई क्रॉप प्लांट्स को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और ये जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो पहले हम देखते हैं कि जो क्रॉप इंट्रोड्यूस की गई है वो इंडिया के अंदर पुर्तगालीज के द्वारा, वो कौन कौन सी हैं। जैसे पहला है एमरैंथ, जिसका बोटेनिकल नेम एमरैंथस कॉडेटस है, ये पुर्तगालीज के द्वारा इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी। इसके बाद ग्राउंड नट आता है, बोटेनिकल नेम अर्चिस हाइपोजिया है। इसके बाद आलू, ये इसका बोटेनिकल नेम सोलेनम ट्यूबरोसम। स्वीट पोटैटो, जिसका बोटेनिकल नेम आइपोमिया बटाटस है। अमरूद, जिसका बोटेनिकल नेम साइडियम गुआ जावा है। इसके अलावा कैश्यू नट यानी कि काजू, एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल बोटेनिकल नेम है। इसके बाद कैप्सिकम, मिर्च, जिसका बोटेनिकल नेम कैप्सिकम एनम है। तंबाकू, जिसका बोटेनिकल नेम निकोटियाना टबैकम है। ये सब पुर्तगालीज के द्वारा इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस की गई हैं। इसके बाद क्रॉप इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिशर्स, मतलब कि ब्रिटिश शासकों के द्वारा इंडिया के अंदर कौन सी वैरायटीज लाई गई, जिसमें एवेना सताइवा ओट है। इसके अलावा मटर, जिसको हम पिजम सैटिवम कहते हैं बोटेनिकल नेम में।
इसके बाद आता है एस्पैरिगस रेसिमोज, सतावर के नाम से जानते हैं, पॉस्पियम बारबिडेंस, कॉटन, ये भी ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अलावा बीट रूट है जिसका बॉटेनिकल नेम वीटा वल्गैरिस है, ब्रैसिका ओलेराका, वेराइटी बोट्राइटिस है जिसको हम फूल गोभी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा सिंकोरियम इंटाइबस, ये भी ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अलावा ये जो कैरेट है ऑरेंज टाइप का जिसका बोटेनिकल नेम डकस कैरेटा है, ये भी ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अलावा लेटुका सताइवा, लेट्यूस, ये भी टमाटर जिसका बोटेनिकल नेम लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेटम है, पपाया पपीता, बोटेनिकल नेम कैरिका पपाया। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी जिसका बोटेनिकल नेम फ्रैग्रिया, जिसका बोटेनिकल नेम फैग्रिया अनासा है। कसावा बोटेनिकल नेम मैनी हॉट एस्कुलेटा। इसके अलावा पियर जिसका बोटेनिकल नेम पायरस कम्युनिस, एप्पल बोटेनिकल नेम मॉलस पुमिला, क्विनाइन बोटेनिकल नेम सिनकोना ऑफ सिनालिस, और है ओपियम पॉपी पेपेवर सोमनी फेरम। इसके बाद आता है क्रॉप इंट्रोड्यूस फ्रॉम वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया बाय मुगल्स या अरब, यानी कि मुगल शासकों के द्वारा इंडिया के अंदर कौन सी क्रॉप इंट्रोड्यूस की गई है। इसमें प्याज सबसे पहले आता है जिसका बोटेनिकल नेम एलियम सेपा है। उसके अलावा गार्लिक है जिसका बोटेनिकल नेम एलियम सेटिवम है। इसके बाद आता है ब्रैसिका रापा, और दूसरा है धनिया पत्ती जिसको हम कहते हैं कोरिएंड्रम सताइवम, बोटेनिकल नेम है, और ये बंद गोभी ब्रैसिका ओलेराइका वैरायटी कैपिटाटा। इसके बाद है डेट पाम जिसका बोटेनिकल नेम फिनिक्स डैक्टिलाइटिस है। उसके अलावा सिजिगियम एरोमेटिकम लॉन्ग, बोटेनिकल नेम ग्रेप जिसका बोटेनिकल नेम वाइटिस विनी फेरा है। तो ये जो क्रॉप्स थी ये मुगल्स के द्वारा सेंट्रल एशिया में इंट्रोड्यूस की गई थी। इसके बाद आता है क्रॉप इंट्रोड्यूस फ्रॉम द चाइना। इसमें आता है सबसे पहले सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स, सबसे प्रोटीन रिच ग्रेन है ये। इसके बाद आता है जुगलन्स रेजिया, वॉलनट या अखरोट, और लीची जिसका बोटेनिकल नेम है लीची चाइनेसिस। तो चाइनेसिस से ही आप गेस कर सकते हो कि ये चाइना से इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके बाद आता है क्रॉप इंट्रोड्यूस फ्रॉम द लैटिन अमेरिका, बोटेनिकल नेम हैविया ब्रेसिलियेंसिस, रबर प्लांट है जिससे रबर मिलता है। इसके बाद पाइनएप्पल, अनानास जिसका बोटेनिकल नेम अनास कोमोसस है। साउथ ईस्ट एशिया और पैसिफिक आइसलैंड से जो क्रॉप्स इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें पहला है सुगर पॉम, बोटेनिकल नेम अरेंगा पिनाटा, ब्रेड फ्रूट जिसका बोटेनिकल नेम आर्टोकार्पस कम्युनिस है। इसके बाद है ये पोमेलो, एक ऑरेंज है सिट्रस फैमिली का फ्रूट है ये, जिसका बोटेनिकल नेम साइट्रस डिकुमानस है। उसके बाद साइट्रस पारादिसी, तो ये प्लांट्स जो हैं इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। मेट्रोजाइलम सागस जिसको हम सागो प्लांट भी कहते हैं। अब हम शुरू में जो क्वेश्चन थे उनके आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि लर्मा रोजो और सोनारा किसकी वैरायटी हैं, तो ये वीट की वैरायटी है। दूसरा क्वेश्चन है राइस की जो वैरायटी IR8 है ये कहाँ पर प्रोड्यूस की गई थी, तो ये फिलीपींस के अंदर प्रोड्यूस की गई थी 1960 में, जहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तीसरा क्वेश्चन है लीची इज नेटिव ऑफ, तो पीछे हमने देखा चाइना क्योंकि इसका नाम ही था चाइनेसिस। फोर्थ क्वेश्चन है सेकेंडरी होम या सेंटर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी, इसका आंसर है ब्राज़ील एंड सेंट्रल अमेरिका। फिफ्थ क्वेश्चन है सोनालिका, कल्याण सोना और गिरजा किसकी वैरायटी हैं, तो ये गेहूं की वैरायटी है जिसमें से सोनालिका रस्ट से रेजिस्टेंट शो करती है। रस्ट एक खास प्रकार के फंगस से होने वाली डिजीज़ है। दूसरी जो
है वो कल्याण सोना है। ये ऐसी बनाई गई है पूरी इंडिया में कि इसकी पूरी इंडिया में खेती की जा सके। इस वैरायटी को इस तरीके से डेवलप किया गया है। इसके बाद थर्ड जो गिरजा है, ये सिंगल डॉब वैरायटी है। ये भी रस्ट से हाईली रेजिस्टेंट है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने का और आपके बीएससी के टॉपिक को कवर करने में भी। थैंक यू सो मच।